अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दर्द गेक। आज मैं खेलने जा रहा हूँ हेलो नेबर 2। और अगर आपको इस गेम के बारे में नहीं पता तो इस गेम में कुछ होता यूँ है कि ये जो आप आदमी स्क्रीन पर देख रहे हैं मूंछों वाला और बड़ी थोड़ी वाला इसने कोई अपने बेसमेंट में बहुत ही सीक्रेट चीज छुपा कर रखी हुई है। ये बहुत ही सस्पिशियस और मशकूक आदमी है टाउन के अंदर। रूमर्स के मुताबिक ये बच्चों को किडनैप करता है शायद। इस गेम के अंदर मेरा मिशन ये होगा कि मैं इसके घर के अंदर शीशा तोड़कर अंदर जाऊं और इसके बेसमेंट में घुस जाऊं और दुनिया को रिवील कर दूं कि इसने अपने बेसमेंट में क्या छुपा कर रखा हुआ। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग वीडियोस स्पेशली इन उर्दू, सो लाइक एंड सब्सक्राइब यार। ओके गाइस, लेट्स जंप इन न्यू गेम। ओके, मैं अब गेम में आ चुका हूँ, गेम लोड हो चुकी है। तो ये मैं कहाँ पे हूँ, ये एक बानयार्ड लग रहा है जहाँ पर जो है गाय वगैरह बकरे वगैरह बांध कर रखते हैं। ये सामने एक गेट लगे हुए, क्या है इसके, मुझे कुछ करना है। ओ ये क्या, प्रेस ई। ओके, मैंने सैंडल को ऊपर किया, ये दरवाजा खुल चुका है। ये एक वैन है और ये शायद मेरी ही वैन है और मैं इस बानयार्ड में क्रैश हुआ हूँ, मैं एक्सीडेंट हुआ शायद। ये सामने उसका घर है, उसका बहुत ही खौफनाक सा घर है एक। ओके, ये रही पजल की पहली चाबी। गेम बहुत पजल वाली होने वाली है वैसे। ओपन माय फर्स्ट लॉक, ओपन द डोर। इधर क्या है, ये एक रेड गियर मुझे मिला, मैंने इसके ऊपर गियर्स लगाने हैं। ये सिस्टम एक लगा हुआ है, एक दो गियर्स और चाहिए फिर मैं ये दरवाज़ा खोल सकूँगा। तो लेट्स एक्सप्लोर, इधर क्या क्या पड़ा हुआ है। ये क्या है, क्रोबार। गेम में दैट क्रोबार बहुत ही जरूरी होते हैं हर गेम में, पता ही होगा आपको। अगर ये गियर पड़ा हुआ है जो मुझे चाहिए तो मैं इसको तोड़ देता हूँ ऐसे ही। यस ओके, दो गियर हो चुके हैं, पिंक या पर्पल कलर का एक गियर और चाहिए मुझे। एक लकड़ी लगी है, इसको उतारते हैं। ओके लेट्स जंप ओवर हियर, ऊपर चलते हैं। मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ मैं। ओके, ये पड़ा पर्पल गियर, ये मैंने पकड़ लिया, ठीक है। और अब नीचे चलते हैं यहाँ से, लेट्स गो हियर एंड ओपन द डोर। वाओ ओके, दरवाज़ा खुल चुका है, ये तो बहुत आसान था, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। ये चीज़ें क्यों हुआ मेरे उड़े यार, मेरी वेरी स्ट्रेन, ग्रेविटी ख़त्म हो गई शायद यहाँ पे। ओके गाइस, ये है उस नेबर का घर, बहुत ही सिनेमेटिक फीलिंग आ रही है फिलहाल। तो सबसे पहले इसकी खिड़कियाँ चेक कर लेते हैं, वो कहाँ पर आदमी। यार देखो, उसने कितने ज़्यादा लॉक्स लगाए हुए हैं अपनी बेसमेंट पे, 1 2 3 4 लॉक्स लगाए हैं सिर्फ बेसमेंट पे। ओके, तो अब आपको इस अंदाज़ा हो चुका होगा कि कितनी चीज़ें छुपा के रखी होंगी इसने बेसमेंट, क्या खजाना है। ये वो आदमी जा रहा है, सोफे पर बैठ रहा है, ये देखो उसकी तो इतनी दाढ़ी आई हुई है। ओके, गेम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है फिलहाल, लेट्स गो एंड घुसते हैं इसके घर में। वही इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है, वापस आ रहा है, वापस आ रहा है यार। ये किधर बैठ रहा है, ये किधर बैठ गया यार, ये इस चेयर पे बैठ गया क्या। ये मैं ये क्या है इसके पीछे, ओए भैया आते सारे काम खराब कर दिए मैंने। उसके पीछे एक रेंच लगा हुआ, उसने अपने पास एक रेंच रखा हुआ है, शायद गेम प्रोग्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ओके, सबसे पहले इसका घर एक्सप्लोर करते हैं और ढूंढते हैं क्या क्या करना मुझे समझ दे के लिए। नोबडी इज हियर बाय द वे गाइस, इस आदमी का नाम मिस्टर पीटरसन है शायद, ये स्पाइडरमैन है। ओ ये क्या है, एक बिल्ली है। हेलो बिल्ली, क्या हाल है, तो मुझे पंजे मारे यार। इसके पीछे कोई मैप पड़ा हुआ है, ये मुझे चाहिए शायद। और ये बिल्ली मुझे दे नहीं रही, कुछ करना पड़ेगा। ओके इसको अगवा कर लेते हैं। ओके नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बिल्ली है, इसको कुछ खाना वगैरह दे कर देंगे। ये फ्रिज है, फ्रिज के अंदर शायद कुछ पड़ा हो। ये कैसी चीज़ रखी हुई है। ओके गिव मी द फिश, और येलो बिल्ली ईट योर खाना एंड गिव मी द मैप। बहुत दे दिया उसने मैप यार, कि ऐसे ही होना था, ठीक है बहुत अच्छी बात है, किसी को चोट नहीं लगी, आराम से काम हो गया पूरा। ये क्या, ये मैं पकड़ सकता हूँ किसी वजह से। ये ऊपर एक फ्रिज पर तस्वीर बनी हुई थी इसी की। ओ सॉरी ब्रो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, इस तरफ आ रहा है, तो वहाँ ब्रो जाओ जल्दी से, कि गाइस वो जा रहा है। मैं इधर बैठकर उसको देख रहा हूँ क्या करता है ये, कि वो चला गया। और तो ये मैं ये कह रहा था कि इसके ऊपर एक ये पेंटिंग या ड्राइंग बनी हुई है इसी डॉल की जो मैंने पकड़ी हुई है, और ये घर वो पड़ा हुआ है शायद, ये कोई पजल है और इसको मैंने इसके ऊपर रखना है जस्ट लाइक दैट। ओके तो मुझे दो और डॉल्स चाहिए, एक इधर लगे, शायद ये इसके अंदर कुछ निकलेगा, कोई चाबी वगैरह होगी। लेट्स कीप एक्सप्लोरिंग, इधर क्या रखा है इसने, और ये क्या है, इधर खिलौने, और ये क्या है, ओ
वो आने वाला है, इससे बहुत ज़्यादा शोर हुआ है। सुन निकलो यार, उसकी आवाज़ें आ रही है मुझे, वो गुस्से में आ रहा है। किधर है वो, पता नहीं कहाँ पे यार। ये बैठा हुआ है, क्या देख रहा है? सामने तो दीवार है यार, क्या कर वो? उसने देख लिया मुझे, वो आ रहा है यहाँ पे, इधर ही आ रहा है यार। ओ यार देख लिया उसने मुझे, भागो यार जल्दी से, ओ बिल्कुल पीछे मेरे। ओके 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 ओके, सीरियस होना पड़ेगा। घर की दूसरी साइड देखते हैं पीछे क्या इसने कुछ रखा होगा शायद। ये इसकी बैक साइड है इसके घर की, ठीक है। ये कुछ पड़ा होगा, ये मैं ले सकता हूँ? यस, कोई खुदाई वगैरह करनी होगी मुझे। उसने ज़मीन में भी कुछ छुपाया होगा, तो बहुत ही मशकूक आदमी है, आपके सामने है। ये बेसमेंट इधर से ले सकता हूँ? नहीं यार, ये लॉक है। A few moments later. इधर कुछ करना होगा यार। ये ऊपर क्या है यार? मुंह हाथ धोने के लिए ऊपर बेसन लगा हुआ है यार, पिक्चर ऊपर लगी हुई है। अब ये तो बहुत ही कॉप यार, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद नहीं हो रहा यार, वो अटक गया शायद। मैं इधर बैठ जाता हूँ यार चुपके, बिल्कुल दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ है ये आदमी। प्लीज गो अवे ब्रो, फिलहाल वो अंदर नहीं आ पा रहा, तो हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी उस पिक्चर के बारे में। इस घर में और भी पिक्चर्स मौजूद हैं इसी तरह की, जो टेढ़ी हुई पड़ी हैं। शायद मैं इनको सीधा करना है, शायद कोई सीक्रेट लाइब्रेरी खुल जाएगी या कुफे दरवाज़ा खुल जाएगा। वो अटक गया है शायद यार, मैं इधर छुपने लगा हूँ। A few moments later. वो ये तो अटक गया है, गेम इज बग्ड यार। तो जंप मारते हैं, जंप लगा सकते हैं ट्रैम्पोलिन की तरह। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पिक्चर जो है बहुत ही मशकूक थी, और मैंने इसको अब सीधा कर दिया है, कोई पजल एलिमेंट शायद। तो ऐसे मुंह धोना पड़ता है इसको सुबह आगे, ठीक है। जंग लगा लगा के, लो भाई प्लीज मुझे थोड़ा जाने का रास्ता दे दो। क्या मैं नहीं जाने देगा यार? उसने घर से बाहर उठा के फेंक दिया मुझे उसी वक्त। तो ये और पिक्चर्स लगेंगे इस पिक्चर पजल पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये रही एक पिक्चर, इसको सीधा कर दो। एक ये पिक्चर है, सीधा कर दो। ओ यार इधर क्या कर रहे हो तुम? और भी पिक्चर्स है घर में, एक ये लगी है बिल्कुल मेरे पीछे यार। ओ माय गॉड, इसकी स्पीड बहुत तेज़ है, इतनी बुढ़े हो गए भी। इधर गया के वो नज़र आ रहा मुझे। पिक्चर एक थी इधर, सीधा कर दिया मैंने। और एक पिक्चर यहीं कहीं होगी, वो लगी है कि इसको भी सीधा कर दिया मैंने। कुछ हुआ? हेलो, शायद और भी पिक्चर्स हैं घर में। ओ सीधा उसके पास जाके खुद ही पकड़वा दिया अपने आप को। तो अभी आपको दोबारा मिलता हूँ मैं पिक्चर्स वाली पजल सॉल्व करके जल्दी से। ओके, पिक्चर नंबर वन, पिक्चर टू, पिक्चर फोर, वही जगह फाइव। मुझे कोई आवाज़ आई कुछ खुलने की, ये कुछ खुला है यार। ओके गाइस, मैंने अभी भी ये पिक्चर्स जो हैं सारी की सारी टेढ़ी पिक्चर्स सीधी कर दी हैं, और इसके घर में ये कोई खुफिया जगह खुल चुकी है, किधर पता नहीं मुझे। तो ये एक जगह खुली है यार इसके घर में, इधर कुछ करना होगा। ये क्रोबार पड़ा हुआ है, दो क्रोबार है मेरे पास, और एक चाबी मिली हुई मुझे इसके अंदर से। ओके, इसको नहीं पता मैं इधर हूँ, इसको नहीं पता। प्लीज़ गो अवे यार, इधर कोई नहीं है। वो कह रहा होगा यार किसने खोला ये, वो चला गया यार। बेसमेंट की लॉक की चाबी है शायद, ये चाबी खोलने लगा यार। yes! एक लॉक खुल चुका है, थ्री लॉक्स और खोलने हैं मुझे। ओके, फुल पजल गेम है। ओ ये क्या है, मैप? ये वो जो जो पीस था बिल्ली के पास, इधर लगाना है शायद मुझे। मेरा मैप किधर है यार? ये मेरे पास ही है, वो गायब हो गया मेरे पास, ज़मीन खोदने वाला, पता नहीं किधर गया, उधर ही पड़ा होगा। गेम शायद रीसेट हो रही है जब जब ये मुझे पकड़ता है आदमी। ओके, क्यों यार, एक और पीस चाहिए मुझे इस मैप का। वो बाहर गया यार, बाहर गया वो, किधर गया वो यार, बाहर आ सकता है ये? ओके, ज़्यादा मन कर दिया, उसने देख लिया मुझे। ओके, तो वो काम है तो खोदने वाला यहाँ पे होगा। ये रहा, गिव मी दैट यार, थैंक यू वेरी मच। किधर खुदाई करनी है मुझे, इसी को बेहोश करके तो नहीं डालना? वो यार बाहर आ गया यार, ये पहले तो नहीं था आता ये। ये इसके पीछे रेंच है यार, ये यार ब्रो, दो मिनट नेबर साहब, थैंक यू वेरी मच मिस्टर पीटरसन। ये एक रेंच ले लिया यार मैंने गाइस के पीछे से, इसने रखा होता मेरे पास। A few moments later. ये शायद खुलता होगा, नट एक लगा हुआ यहाँ पे।
वो यही खुलता है यार, वाकई खुलता है, मुझे नहीं था पता। ये क्या? नहीं ऊपर जाके इसने एक और खिलौना रखा हुआ है और ये उस घर पे जाकर लगना है। ये जाते हैं चुपते हुए। ओ यार ओके सॉरी 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 नेबर सॉरी नेबर। इधर आ रहा वापस। A few moments later. इसको इधर लगा देते हैं। तो एक और खिलौना मुझे चाहिए इसके ऊपर लगाने के लिए, तो वो कहाँ से मिलेगा पता नहीं। दूसरे रूम्स में है इस घर में, उधर जाते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं, शायद उधर कुछ करना हो। ये दो रूम मैंने चेक नहीं किए। आ रहा मेरे पीछे आ रहा भाग के भाग के। ओके तो मैं जा रहा हूँ यार इसके में, वो कुर्सी पर अपनी सोने लगा शायद। ओके ये रूम में आ चुका हूँ। ये दो रूम्स हैं, एक है बेडरूम और एक है ऑफिस रूम शायद, और एक दुनिया की सबसे बड़ी सेफ पड़ी हुई है शायद। इसको खोलना है, इसके लिए कोड चाहिए मुझको। ये क्या, तो मैं इंटरैक्ट कर सकता हूँ इसके साथ। ओ ये क्या, एक गत्ते वाली तलवार मिली मुझे। ये मैंने देखा है, ये रोबोट वाला, ये कोई खिलौना शायद होगा इस घर में। खिलौने बहुत इस्तेमाल करता है, याद नहीं बोला नहीं क्या इसको। ये मैंने देखा है उस कमरे में होता है ये खिलौना गत्ते का, शायद बाहर गया बैठा हुआ। इधर दरवाजे को ही देखता बैठ गया यार बिल्कुल। कुछ होते हैं ना लोग गलियों के बाहर बैठ जाते हैं, वैसे ही बैठा हुआ ये भी। वो तो बार बार इधर ही बैठ जाता है, इसको बाहर लेके आना पड़ेगा। ओके अब उसको नहीं पता मैं कहाँ पे। ये है वो खिलौना, इसके ऊपर लग गई तलवार। इसको कुछ करना भी नहीं, मैं इसको घुमा रहा हूँ। ओ यार आना चाहिए। ये क्या है, ये कैंडल मिला मुझे। ओ उसने देख लिया मुझे, नो प्रॉब्लम, मैं तेज़ हूँ उससे बहुत ज़्यादा। बिल्कुल मेरे पीछे आ रहा भाग भाग के। हैंडल किधर लगना है यार, हैंडल वाली जगह तो मैंने कहीं नहीं देखी। इस रूम में घुसते हैं और हैंडल किधर लगना है, इधर मैं नहीं आया इतने ज़्यादा। वो ये क्या है, को काट सकता हूँ कैंची से? कैंची मेरे पास फिलहाल नहीं है, इसलिए वो यार इसने सरानों के अंदर भी कुछ सिलाई करके रखा हुआ है। वो ये क्या है, बालू, बालू का एक स्टैचू और इसके ऊपर हैंडल जाता है और इसके मुँह से चाबी निकल आएगी। लेट्स गो। ओए अचानक उधर ही खड़े होकर मेरी बातें सुन रहा था यार। जाते जाते लॉक खोल लेते, कोई खोलो खोलो खोलो, एक लॉक खुल चुका, दो लॉक रह गए, लेट्स गो। गुस्सा आ रहा है उसको बहुत ज़्यादा बेचारे को। A few moments later. सेफ खोलनी है मुझे किसी तरह। इसका कोड ये है, इसका कोड यार इतने ज़्यादा नंबर ऊपर सीरियल लिखे होंगे उसको याद नहीं रहता। कलर वाले नंबर है ना ये लिखने हैं मुझे। ये क्या है, ये रिबन एक लगा हुआ है, ठीक है ये लाइट इसके ऊपर जा रही है। जाहिर सी बात है कि ये जो रिबन हैं ये नंबर का ऑर्डर है, ठीक है। पहले जो है रेड नंबर आएगा जो कि 3 है, ब्लू 7 है और ग्रीन 9 और 5। तो ये होगा 3 7 9 5 शायद, 3 7 9 5। लेट्स गो यार, खुल चुका है ये, कैंची मिल चुकी है, इसके सराहने फाड़ने का टाइम आ चुका है। लेट्स गो यार, फाड़ दो सारे सराहने इसके। क्या क्या रखा है इसने, किधर है, कुछ तो होगा इनमें। ये क्या निकला, वो कागज़ निकला है उसका मैप का निकला है, फाइनल पीस शायद। कीप फाड़िंग दिस रानास, कुछ हो इनमें, कुछ नहीं कुछ नहीं। सॉरी सराने पाड़ने के लिए बहुत सॉरी, बड़ी मुश्किल से मैं निकला हूँ। उसने पहले मुझे बहुत ज़्यादा सोच में अगर घूरा है कि ये क्या कर रहा है यार, इसके बाद मेरे पीछे भागा। सो रहा है ये, सोता भी है ये तो यार। ओ फिर उठ गया, सॉरी टू डिस्टर्ब। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। वाओ चाबी चाबी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके तो मेरे पास जगह नहीं है इन्वेंटरी में, तो ये मेरी इन्वेंटरी है, मेरा ब्रीफकेस, दो क्रोबार है, मुझे सिर्फ एक चाहिए, तो इसको ऐसे फेंक देते हैं। ओके मेरे पास अब जगह बन चुकी है, ये मैप भी लगा देते हैं इधर। ये लियो यार, मैप पूरा हो चुका है और ये एक्स का निशान है, यहाँ पर मुझे जाके शक खुदाई करनी है। नो यार नहीं भाई साहब, नो 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 प्लीज़ प्लीज़। ओके बहुत आसान है, कोई मसला नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। 4 to 6 days later. ओके गाइस ये है इसका मैप और ये इसका घर है और ये बानयार्ड है क्योंकि ये रेड है। तो बानयार्ड के पीछे ही कुछ करना मुझे जाके एक्स का निशान बना हुआ है।
तो चलते हैं फिर, क्योंकि पता नहीं क्या क्या छुपाया होगा ज़मीन के अंदर। आई होप इट इज़ नॉट अ इंसान। बिल्कुल इसके पीछे इधर ही कुछ होगा। सर्चिंग ये है, इधर मैंने खुदाई करनी है, पता नहीं क्या ये। ओके, खुशकिस्मती से ये कोई इंसान नहीं था, ये सिर्फ एक डोल थी जो कि मैंने इस घर के पर रखनी है, और घर के अंदर से कुछ निकलेगा शायद। A few moments later. किधर आगे जा रहा है यार? ये चाहिए आपको? वो ले गया वो तो यार, असली में ले गया वो। किधर लेके जाता है देखता हूँ मैं अभी। अगर इसने उसी जगह पर जाकर वापस रखा ना, तो आई विल गिव दिस गेम 10 out of 10। क्या करता है ये? सॉरी, डिस्टर्ब कर दिया मैंने उसको। वापस रखने जा रहा था वो, बिल्कुल उधर ही गया जहाँ से मैंने उठाया था। ये उधर जा रहा था, इधर हम चाबी पकड़ते हैं। इधर एक चाबी थी, ये रही चाबी, और देखते हैं वो किधर रख रहा है क्रोबार को। इधर से देखते हैं ऊपर से। वाह यार, उसने उधर ही रख दिया, क्या बात है। बहुत ही अक्लमंद AI है इस गेम के अंदर उन्होंने लगाया हुआ, वेरी इंप्रेसिव। दो लगाते हैं उस घर के ऊपर जाके, और देखते हैं घर के अंदर से क्या निकलता है। वो ये घर की साइड खुल चुकी है, और एक और चाबी, दोनों चाबी मुझे मिल चुकी है। फाइनल चाबी यही थी शायद। किधर है वो? उसके सामने अंदर जाते हैं। लॉक खोल दिए मैंने सारे। वो भागो यार, नहीं 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 पकड़ना नहीं मुझे। भागो 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 भागो। इसको कैंची मारते हैं, कुछ होता है इसको? अब मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। ओ यार, ये तो इसको तो कोई चीज़ हो सकती है। खोल लो खोल लो खोल लो, इसके सामने अंदर जाऊंगा मैं। हेलो यार, भाई साहब आपकी उसको थोड़ी सॉरी चोट लगा दी आपको। यार तुम्हारी बेसमेंट में जा रहा हूँ मैं। हेलो, A few moments later. देख लिया उसने, अंदर जा रहा हूँ मैं। ओके, अंदर नहीं जा सकता, बाय बाय। कह रहे जाओ, क्या बेसमेंट? ये क्या क्या है? थैंक यू फॉर कम्प्लीटिंग द डेमो, वी होप दैट यू एंजॉयड इट। ओके गाइस, तो यहाँ आकर इस गेम का डेमो खत्म होता है, और अभी तक मुझे नहीं पता क्या वो छुपा कर रखता है, क्योंकि एक सिर्फ डेमो था। फुल वर्जन में चेक करेंगे कि क्या छुपा कर रखता है। और अगर आपको फुल वर्जन की भी वीडियो चाहिए, गेम प्ले चाहिए, तो लेट मी नो द कमेंट्स। बहुत मजा है मुझे गेम खेलकर, AI इसका बहुत चलाक है, ठीक है, लेकिन फुल वर्जन में इसको थोड़ा और चलाक होना पड़ेगा, क्योंकि मैं इससे भी चलाक हूँ। तो इसी तरह इस गेम का एंड होता है। इफ यू वांट टू वॉच गेमिंग वीडियोस इन उर्दू, तो सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द वीडियोस टू सपोर्ट मी। और इसी के साथ साथ मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।